अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी सुबह का 6:30 बज रहा है और हम लोग सभी लोग उठ गए हैं। और दोस्तों, मैं उठते के साथ सबसे पहले आंगन को मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो चलिए आंगन को झाड़ू लगा लेते हैं, फिर चलेंगे बाहर साइड। तो ये देखिए दोस्तों, झाड़ू लगाने के बाद आंगन कितना अच्छा साफ सुथरा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बाहर साइड। ठंडा भी लग रहा है, तो शायद उधर आग भी जलाए होंगे। और इधर देखिए दोस्तों, बाहर साइड का झाड़ू अलीजा की अम्मी लगाती हैं और हर सुबह हम लोग अपना अपना काम करते हैं और काम बांट लिए हैं। और इधर देखिए दोस्तों, आलिया आग तपाने के लिए पैरा लेकर आ गई है। तो चलिए आग जला के सभी लोग ताप लेते हैं। तो दोस्तों, सासू अम्मा अभी आग तपाने के लिए नहीं आए हैं, वैसे तो उठ गए हैं, लेकिन दुकान में ग्राहक आए हैं तो वो सुबह सुबह दुकान संभाल रहे हैं। वो ग्राहक को सामान दे के वो भी आ जाएंगे आग तपाने के लिए। तो दोस्तों, आग तपाते तपाते सुबह का 7 बज गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले ब्रश कर लेते हैं, फिर नाश्ता बनाएंगे। और दोस्तों, आज घर का जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना है, क्योंकि हम लोग को मिलाद शरीफ में भी जाना है। आज हमारे गांव में मिलाद शरीफ है और थोड़ा दूर है उनका घर, तो हम लोग पैदल ही जाएंगे, तो सारा काम जल्दी से निपटा लेंगे। तो दोस्तों, आज सुबह के नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि गेहूं का रोटी बना दूं। वैसे तो दोस्तों, आज हम लोग को छिलका रोटी खाने का मन था, लेकिन रात को मैं चावल फुलाने के लिए भूल गई थी, तो मैं गेहूं का रोटी ही बना देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आटा वगैरह भी अच्छे से सना गया है, तो चलिए जल्दी से बेल कर बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहला रोटी बन के रेडी हो चुका है। और जब भी मैं पहला रोटी बनाती हूँ, तो मेरा रोटी पहला वाला फुलबे नहीं करता है, पता नहीं काहे। वैसे तो दोस्तों, आटा एकदम महीन पिसाया हुआ है, लेकिन पहला वाला रोटी फूलता ही नहीं है मेरे से। तो चलिए दोस्तों, बुलबुल भी उठ गई है, तो उसको चाय रोटी दे देते हैं खाने के लिए। तो दोस्तों, पूरा रोटी बन के रेडी हो चुका है और बाहर में मुर्रा वाला आया है, तो चलिए मैं बच्चे लोग के लिए ले देती हूँ मुर्रा। और दोस्तों, मेरे को लाड़ू खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन ये मुर्रा वाला लाड़ू लेकर नहीं आए हैं, बोल रहे हैं कि अगले बार में मैं लेकर आऊंगा। और दोस्तों, लाड़ू मुर्रा और गुड़ को मिलाकर बनाते हैं, तो उसका लाड़ू बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह तो बन के रेडी हो चुका है, अब हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। और ये देखिए आंगन हम लोग का कितना अच्छा साफ सुथरा है छबाई लिपाई करने के बाद। तो चलिए हम लोग नाश्ता यहीं पे बैठकर करेंगे। और दोस्तों, आज मैं फिर रोटी में खाने के लिए टमाटर का चटनी बना दी हूँ, तो हम लोग उसी में नाश्ता कर लेंगे। दोस्तों, सासू अम्मा लोग नाश्ता कर चुके हैं और अभी जो मुर्रा लिए हैं, तो उसी को बैठकर तलाव पैर में खा रहे हैं। और दोस्तों, टमाटर चटनी और रोटी खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग खाए हैं कि नहीं, आप लोग खाए हैं कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग सभी लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हमारे गांव में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखाया हुआ है, तो वहीं जाना है हम लोग सभी लोगों को। तो सासू अम्मा लोग उधर तैयार हो रहे हैं और हम लोग यहीं पे तैयार हो जाएंगे, फिर सभी लोग मिलकर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाते हैं, कहीं मिलाद शरीफ शुरू ना हो जाए, हम लोग को भी जाने में लेट हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का घर दूर है, तो हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग को घर से भी जल्दी निकलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी
सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, जो मैं चूड़ी पहनी हूँ तो मैं इसी कपड़ा के लिए मैचिंग ली थी उस दिन जो मैं मार्केट गई थी तब। मिलाद शरीफ में जाने के लिए सभी लोग रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब चलते हैं। अब थोड़ा सा लीजा की अम्मी का लेट है तो उनको भी रुक लेते हैं, दो मिनट में वो भी तैयार हो जाएंगे, फिर सभी लोग चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, दुकान साइड रहेंगे, फिर वहीं पे इंतजार करेंगे, तो लीजा की अम्मी तैयार होके तुरंत ही आएंगे। तो चलो उधर रहेंगे, आलिए। दोस्तों हम लोग मिलाद शरीफ से आ गए हैं घर, और बहुत ज्यादा दूर था उन लोग का घर और हम लोग आते आते थक गए हैं। और अभी का टाइम लगभग 4 बज गया है और 4 बजे का अजान भी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ठंडा हल्का हल्का लग रहा है तो बुलबुल को मैं स्वेटर वगैरह पहना देती हूँ। और दोस्तों आज बुधवार है और हम लोग को बाजार जाना था, लेकिन हम लोग का गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो उसी की वजह से हम लोग आज जा नहीं पा रहे हैं। खैर छोड़िए, अगले बुधवार को चले जाएंगे बाजार। और दोस्तों बाजार से बहुत ज्यादा जरूरी सामान लाना था, हम लोग का प्याज गाछी भी नहीं लाए हैं और ला के नहीं जगाए हैं, और बहुत लेट हो जा रहा है इस बार हम लोग का प्याज जगाने के लिए। फिर अगले बूथ के हम लोग चले जाएंगे और जल्दी से ला के जगाएंगे। और ये देखे दोस्तों, मैं बुलबुल का स्वेटर को धो के सुखाई थी तो अभी सूख गया है, और शाम का 4 बज गया है तो ठंडा भी लग रहा है, तो चलिए बुलबुल को पहना देती हूँ, नहीं तो इसका बार बार तबीयत खराब हो जाता है। तो दोस्तों मिलाद शरीफ से आते आते काफी ज्यादा लेट हो गया और अभी शाम का 4 बज गया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बाजी लोग के घर तरफ, उन लोग का बाथरूम का काम चल रहा है तो देखेंगे दीवार कितना उठा पाए हैं मिस्त्री लोग। ये देखे दोस्तों, अभी इतना ही काम हुआ है और कुछ दिन में जल्दी से बाथरूम तैयार हो जाएगा। और इधर देखिए दोस्तों, इधर सासू अम्मा लोग भी बैठे हुए हैं और अपने बहन से बातें कर रहे हैं फोन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के बाथरूम का काम देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग बाजी लोग के घर से सभी लोग आ गए हैं और अभी शाम का 5:30 बजने वाला है, तो थोड़ा बहुत मैं कपड़ा धो के सुखाई थी तो उसको मैं उठा लेती हूँ। और इधर बच्चे लोग, जो मैं सुबह मुर्रा ली थी तो उसको बहुत मजे से खा रहे हैं खाट में बैठ के। तो इधर देखिए दोस्तों, सभी सूखा कपड़ा को मैं आराम से पेटी में रख देती हूँ, अभी नहीं सथियाऊंगी तो रात को मैं आराम से सथिया दूंगी कपड़ा लोग को। तो ये देखिए दोस्तों, अब रात भी होने वाला है और सभी मुर्गी लोग अंदर भी आ गए हैं, तो मैं इनको ढाक देती हूँ अच्छे से, इन लोग को ठंड ना लगे। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा कबाड़ वाला घर, तो इसमें सिर्फ कबाड़ हम लोग रखते हैं। दोस्तों इस मुर्गी को मैं 3-4 बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये मुर्गी बार बार बाहर निकल जा रही थी। ये देखिए दोस्तों, कितना ज्यादा इधर उधर भाग रही है, पकड़ा ही नहीं रही है मुर्गी। तो फाइनली दोस्तों मैं मुर्गी को पकड़ ली हूँ, तो चलिए मुर्गी को अब ढाक देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ जल्दी से, रात के लिए खाना सब्जी बना लूंगी, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं जल्दी से खाना सब्जी बना के रेडी कर चुकी हूँ और आज हम लोग जल्दी से ही खाना खा लिए। और इधर सभी लोग आग तपा रहे हैं, आग के पास बैठ के, इधर बाजी लोग भी आए हैं आग तपाने के लिए। और इधर देखिए दोस्तों, उस दिन जो मैं फेरी वाला से रोशनी लोग के लिए कपड़ा ली थी उसको अच्छे से मैं सिलवा चुकी हूँ, और उसने कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। चलो रोशनी खड़ी होके दिखा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं रोशनी के लिए सूट सिलवा दी हूँ और पहनी है, तो आप सबको कैसे दिख रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आलिया के लिए भी यही वाला कपड़ा को सिलवाने के लिए दी हूँ, लेकिन वो टेलर नहीं सिल पाई है आलिया का कपड़ा। तो दोस्तों आलिया का भी 1-2 दिन में उसका भी सूट सिला कर आ जाएगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।